वेरी गुड मॉर्निंग आई एम प्रीति शर्मा टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इट्स बैकग्राउंड ओरिजिन इम्पॉर्टेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फर्स्ट वी वॉन्ट टू डिफाइन वॉट इज लॉ लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्नस वॉट शुड वी डू और नॉट डू मीन्स यह एक प्रकार के सेट ऑफ़ रेगुलेशन है या कह सकते हैं एक प्रकार की गाइडलाइंस हैं जिसके माध्यम से हम लाइब्रेरी को कैसे चला सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और कहीं कहीं पर अगर हम लाइब्रेरी को चलाने या मैनेज करने में कहीं अटकते हैं तो इन रूल्स एंड रेगुलेशन की सहायता से हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और उस, उस समस्या से निपट सकते हैं अब हम बात करते हैं कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जनक कौन है और इन्हें इनके द्वारा लाया गया तो ये ये फोटो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रही है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की है जिन्हें हम पिछले लेक्चर्स में सुनते आए हैं कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सर ने फ़ाइव लॉज़ को एक प्रकार से हाई कोर्ट की संज्ञा दी जैसे कि भी अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर हम कहीं लाइब्रेरी को चलाने के लिए अटकते हैं या कहीं कोई समस्या आती है तो हम इन नियमों इन कानूनों की सहायता से उस समस्या से उबर सकते हैं तो किस किस समस्याओं का हम लाइब्रेरी को चलाने में आगे प्रॉब्लम आती है किन किस समस्याओं की ये हम फाइव लॉज के माध्यम से डिस्कस करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई और हिस्ट्री के बारे में कि ये फाइव लॉस कैसे आए जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर को मद्रास यूनिवर्सिटी का पद में लाइब्रेरियन का पद मिला तो उन्होंने लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी को कैसे चलाते हैं या फिर कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं थी चूँकि वो मैथमेटिशियन थे लाइब्रेरी को कैसे चलाते हैं इसके लिए वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए और लंदन में उनके गुरु थे डब्ल्यू बी शेयर्स जो कि मेलवेल डेवी के शिष्य थे उनके संरक्षण में उन्होंने एक साल तक वहाँ पर लाइब्रेरियनशिप की ट्रेनिंग ली और उस दौरान उन्होंने वहाँ के लाइब्रे लगभग हंड्रेड लाइब्रेरीज का विजिट किया और वहाँ के अनुभवों को वो अपने साथ समेट कर लाए और 1925 से लेके अट्ठीस 28, 28 तक मतलब 1925 से लेके 1928 तक इन सारे अनुभवों को उन्होंने लिपिबद्ध किया और एक मतलब रिटर्न फॉर्म में हमें फाइव लॉज की भेंट प्राप्त हुई और 98 से लेकर थर्टी वन तक इनमें जो भी आ, कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ रिक्वायर्ड थे तो उन सब का एनालिसिस हुआ और 1931 में हमें फाइव लॉज ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस एज अ बुक फॉर्म में हमारे लाइब्रेरी साइंस को मिले जो कि हम जिन्हें हम एक तरह से लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स या लाइब्रेरी लवर्स जो हैं वो एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं लाइब्रेरी साइंस का जैसे कि हमारे गीता और कुरान है उसी प्रकार से लाइब्रेरियनशिप के लिए या लाइब्रेरियन लाइब्रेरी लवर्स के लिए ये एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है अब हम बात करते हैं कि फ़ाइव लॉज क्या हैं और इनके इम्प्लीकेशन्स क्या हैं तो बात करते हैं फ़ाइव लॉज़ की सबसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज सेकेंड है एवरी रीडर्स हिज़ और हर बुक्स थर्ड वन इज़ एवरी बुक इट्स रीडर्स फोर्थ वन इज़ सेव द टाइम ऑफ यूज़र एंड लास्ट वन इज़ लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एक बात मैं यहाँ शेयर करना करना चाहूँगी जैसे कि फाइव लॉज की बात हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव की जैसा कि मैंने भी बताया कि फाइव लॉज ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस वन टू थ्री फोर फाइव के फॉर्म्स में है तो जो सबसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज़ ये सबसे अंत में बना और इसकी इसका बनने का जो क्रेडिट है डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने अपने मैथमेटिशियन गुरु एडवर्ड बी रॉश को दिया जो कि उनके मैथमेटिक्स के गुरु थे जैसा कि मैंने अभी बताया कि फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वन टू थ्री फोर फाइव के फॉर्म्स में है तो जो सबसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज मीन्स किताबें उपयोग के लिए हैं फर्स्ट लॉ मेनली इम्फोसाइजेस ऑन एक्सेस रिलेटेड इशू मतलब मेनली ये जो लॉ है कि किताबों को कैसे उपयोग के योग्य बनाया जा सके और कैसे यूज़र्स को उनकी पहुंच तक पहुंचाया जाए इन सब बातों के बारे में इस लॉज में हम डिस्कस करेंगे पहले ही बात करते हैं लाइब्रेरी लोकेशन की चाहे बात करें एकेडमिक लाइब्रेरी की या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की तो जो लाइब्रेरी की स्थिति होती है वो सेंट्रली लोकेटेड यानी कि उस लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी या एकेडमी के सेंट्रल में लोकेटेड होनी चाहिए ताकि कोई भी यूज़र मिनिमम दूरी तय करके लाइब्रेरी की सर्विसेज़ का लाभ उठा सके अगर हम पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें तो भी वह सिटी या शहर के केंद्र बिंदु में होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आवागमन की सुविधा भी सुचारू रूप से उपलब्ध हो अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी टाइमिंग की तो लाइब्रेरी टाइमिंग को हमें इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए ताकि ऑफ़िस गोवर्स या वर्किंग पीपल्स भी वहाँ पर आकर उसकी सर्विसेज का लाभ उठा सकें मतलब लाइब्रेरी को जल्दी खोल के लेट तक बंद करने का प्रावधान हो चाह होना चाहिए और जैसा कि बात करें कैंपस लाइब्रेरीज या फिर आई की तो वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में लाइब्रेरी ओपन होकर मतलब इवनिंग में आठ बजे तक खुली रहती है और एग्जामिनेशन टाइमिंग में ये ट्वेंटी फोर आवर्स खुली रहती है और जो वहाँ के यूजर्स हैं उनकी सर्विसेज का भरपूर लाभ उठाते हैं और ये वीकेंड और हॉलीडेज़ पे भी ओपन रहती है जैसे कि हमारी लाइब्रेरी तीन सौ बासठ दिन खुली रहती है केवल तीन दिन की छुट्टी मिलती है जैसे कि दो अक्टूबर छब्बीस जनवरी और पंद्रह अगस्त को ही लाइब्रेरी बंद रहती है अब बात करते हैं लाइब्रेरी फर्नीचर की तो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी के फर्नीचर को डिसाइड करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आरामदायक हो ताकि कोई भी यूजर इस पर बैठ का काफ़ी देर तक पढ़ सके और व... जो लाइब्रेरी का एटमॉस्फेयर हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए एरी होना चाहिए अगर हमारे लाइब्रेरी में एसी की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर ओपन विंडो की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि स्वच्छ हवा का आवागमन हो सके और वहाँ पर वाटर कूलर या पानी के मतलब सोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं बुक सिलेक्शन की तो बुक सिलेक्शन हमें अपने लाइब्रेरी के नीट के अकॉर्डिंग करना चाहिए और टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग करना चाहिए सपोज़ सपोजिट हमारी लाइब्रेरी अकैडमी की या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो हमारे लाइब्रेरी में कोर्स कंटेंट के साथ साथ सप्लीमेंट्री बुक्स और न्यूज़पेपर जर्नल्स साइंस फिक्शन बुक्स इस तरह का कलेक्शन रखना चाहिए अगर बात करें पब्लिक लाइब्रेरीज की तो हम अपने कलेक्शन में लोकल कल्चर हेरिटेज को भी शामिल कर सकते हैं अब बात करते हैं लाइब्रेरी स्टाफ की तो हमारा जो लाइब्रेरी स्टाफ बुक्स आर फॉर यूज़ के लॉ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि जब कोई भी यूज़र लाइब्रेरी में एंटर करता है तो सबसे पहले सामना लाइब्रेरी स्टाफ से होता है और लाइब्रेरी स्टाफ का फ़र्ज़ होता है कि वह उसकी मनवांचित बुक्स तक उस यूजर को पहुंचाए तो हमारा जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है वो प्रोफेशनल ट्रेंड होना चाहिए वेल क्वालिफाइड होना चाहिए उसे टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए और साथ में उसे टैक्ट होना चाहिए यानी कि हर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग तो हमारे लाइब्रेरी को बनाते समय में यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइब्रेरी हर प्रकार के यूजर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर रैंप या स्लोप की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि स्लाइड में विजिबल है कि इस तरह के रैंप या स्लोप्स होने चाहिए ताकि डिसेबल्ड पर्सन भी वहाँ पर आकर लाइब्रेरी की सर्विसेज का लाभ उठा सके तो ये रहा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड लॉ की एवरी रीडर हिज और हर बुक यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिल सके जरूरी नहीं कि वह यूज़र लाइब्रेरी का मेंबर हो इन चार लोगों के अथक प्रयासों से मिले जुले प्रयासों से ही हम लाइब्रेरी को समाज तक पहुंचा सकते हैं पहला ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट सेकेंड वन इज़ लाइब्रे ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी थर्ड वन इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ एंड लास्ट वन इज़ ऑब्लिगेशन ऑफ रीडर्स तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की बात हो रही है यानी कि राज्य का दायित्व तो, इस तो इसे भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है पहला फिनेंस दूसरा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड थर्ड वन इज़ लाइब्रेरी कॉपरेशन अगर हम बात करें एकेडमिक या कॉलेज लाइब्रेरी की तो वर्ष में उसे साल में एक बार फंड प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसके नॉन रिकरिंग और रिकरिंग यानी कि नॉन परमानेंट और परमानेंट खर्चों के लिए आवश्यक होते हैं अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी सेस जो कि पब्लिक लाइब्रेरी के सेंस में आता है यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी को मैनेज या मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जिस फंड की आवश्यकता होती है वो लाइब्रेरी सेस के थ्रू कलेक्ट होता है जो कि मनोरंजन और सर्विस टैक्स के बराबर ही होता है और जिसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लोगों से कलेक्ट करती है और यह जो फंड इसके थ्रू जो फंड प्राप्त होता है वही हम पब्लिक लाइब्रेरी में उसके खर्चों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की तो लाइब्रेरी नियम की अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया है समाज का प्रत्येक व्यक्ति तक लाइब्रेरी पहुंच सके और मतलब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल सके तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग अभी इन प्रेजेंट हमारे भारत में अट्ठारह पब्लिक लाइब्रेरीज खोली गई हैं अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी कॉपरेशन की तो लाइब्रेरी कॉपरेशन की भी बहुत ही आवश्यकता है जैसे कि इंटर लाइब्रेरी लोन के थ्रू हम लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी को सहयोग करके यूजर्स की नीड को फुलफ़िल कर सकती है और एवरी रीडर को उसके मतलब स्टडी मटेरियल्स तक पहुंचा सकती है और इसी में ट्रांसलेशन सर्विस भी ऐड हो जाती है और डिफरेंट टाइप की रेफरेंस सर्विस इसके अंतर्गत आ जाती है अब हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी की तो हर ऑर्गेनाइजेशन में या प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी होती है तो इसी प्रकार यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी होती है जो कि लाइब्रेरी के सभी खर्चों को कहाँ 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 किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है इन सब चीज़ों को मैनेज करती है और सपोज़ डेट सबसे बड़ा रोल इसका होता है कि बुक सिलेक्शन कि हम अप मतलब अपने जो फंड हमको प्रोवाइड किया जाता है उस फंड को किस प्रकार से मतलब उस फंड से किस प्रकार से बुक सेलेक्ट करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को उसकी स्टडी मटेरियल तक पहुंचा सकें सपोज दट हमारे पास बीस हज़ार का फ़ंड है तो हमें बीस हज़ार में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स परचेज करनी चाहिए ताकि हम प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक से मिला सकें तो इसमें हमारे यूजर्स को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए और जैसे कि सर्वे या फीडबैक का जो प्रोसीजर होता है मतलब जो प्रोसीज़र होता है तो उनमें भी उन्हें कॉपेट कॉपरेट करना चाहिए और प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए ताकि हम अपनी सुविधाओं को उनके अकॉर्डिंग मतलब मॉडिफाई कर सकें और उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें और साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगी जैसे कि अगर यहाँ बात हो रही है अप्लीकेशन ऑफ रीडर्स की तो जनरली कुछ बच्चे होते हैं वो बुक्स को हाइड कर देते हैं तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए यू यूज़र्स के लिए क्योंकि अगर वो बुक छिपा देते हैं तो स्टाफ को भी प्रॉब्लम होती है और साथ में ही यूज़र्स को भी जो कि उस पर्टिकुलर बुक को मतलब पढ़ने के लिए चाहता है तो उसे भी प्रॉब्लम होती है तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और यूज़र को जब कोई बुक इशू होती है तो उसके रिटर्न की भी मतलब वापस करने की भी डेट एक नियत होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसे रिटर्न कर देना चाहिए ताकि कोई नीडी पर्सन या कोई यूज़र उस पर्टिकुलर बुक को चाहता है तो वो उसे मिल सके तो ये रहा हमारे सेकेंड लॉज के बारे में हमने बात की अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की एवरी बुक इट्स रीडर्स इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगी सेकेंड और थर्ड लॉ की बात करें तो ये पहले युग्मक रूप में यानी कि जोड़े रूप में एक ही लॉ की तरह थे यानी कि एवरी बुक इट्स रीडर और एवरी रीडर्स हिज और हर बुक एक ही लॉ था और ये टोटल चार लॉ के चार लॉ के रूप में फॉर्म हुए थे लेकिन उस समय चार की गिनती को गलत माना जाता था और इन्हें तोड़कर दो लॉ में कन्वर्ट कर लिया गया और इस प्रकार हमारे पांच नियमों पांच लॉ हमारे सामने आए अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की ये थोड़ी हिस्ट्री थी तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा चली गई थी अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की एवरी बुक इट्स रीडर जिसमें हम बात करेंगे कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले तो ये कैसे संभव है तो हम पहले बात करते हैं ओपन एक्सेस जैसे कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो बुक्स थी उन्हें बंद अलमारियों में या फिर जंजीरों से बांध कर या फिर बहुत कवर्ड करके रखा जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से उनके मतलब उन तक पहुंच नहीं सकता था इस वजह से इस नियम को मतलब इस सिस्टम को बंद कर कर अब ओपन एक्सेस सिस्टम को लाया गया जिसमें कि मतलब ओपन रैक्स होती हैं जिनमें हम बुक्स को अरेंज करते हैं और कोई भी यूजर जाकर आसानी से उसके बुक को टच करके उसके कंटेंट को देखकर अपने नीड के अकॉर्डिंग बुक को सिलेक्ट कर सकता है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ अरेंजमेंट मीन्स जो हमारी लाइब्रेरीज में रैकों का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार होता है हमें लाइब्रेरी को लाइब्रेरी में जो सेल्फ अरेंजमेंट होते हैं उसको अरेंज करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि दो रैकों के बीच में एक प्रॉपर स्पेस हो यानी कि कम से कम दो लोगों की खड़े होने की जगह होनी चाहिए और नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ प्रैक्टिफिकेशन मीन्स हमें टाइम टू टाइम जो बुक्स हैं या ओपन एक्सेस जो कलेक्शन हमारे पास है रैक्स में तो उन्हें टाइम टू टाइम हमें, ताँग ताँग हमें ताँग ताँग मतलब अरेंज करते रहना चाहिए ताकि उनका जो ऑर्डर है वो गलत ना हो पाए और यूजर्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल बुक्स अवेलेबल हो सके अब हम बात करते हैं कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन की तो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन दो बातें हैं और कैटलॉगिंग एक प्रकार की सूची होती है या फिर जिसमें कि बुक्स के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है जैसे कि ऑथर की डिटेल पब्लिकेशन की डिटेल टाइटल की डिटेल सीरीज की डिटेल सब्जेक्ट की डिटेल और यह एक प्रकार से यूजर्स के लिए ही बनाया जाता है विजिबल है कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट कैटलॉग कार्ड फॉर्मेट एक प्रकार का यूजर की नीड के लिए बनाया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी यूजर अपने नीड के अकॉर्डिंग बुक्स को सर्च कर सकता है यहाँ लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं एक क्लासिफिकेशन नंबर दिया होता है जो कि लाइब्रेरी का स्टाफ डीडीसी या सीसी के माध्यम से निकालता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और यहाँ पर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया होता है जिसमें कि बुक्स की डिटेल्स होती है जैसे कि ऑथर का नाम बुक्स आ, का टाइटल या फिर बुक की सीरीज़ या बुक के जो कंटेंट होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिए होते हैं तो इसकी मदद से हम यूजर्स को बुक सर्च करने में आसानी होती है यह यह प्रकार का कार्ड कैबिनेट है जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया कि कैटलॉग कार्ड तो यह कार्ड कैटलॉग कार्ड इन इस लकड़ी के कार्ड कैबिनेट में रखा जाता है और ये कार्ड कैबिनेट डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होता है और कोई भी यूजर इस इस कार्ड कैटलॉग के माध्यम से अपनी बुक को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकता है आज की बात करें या प्रेजेंट इरा की बात करें तो आजकल आजकल आज लाइब्रेरीज में ये कमी देखने को मिलते हैं और इसका आ, इसकी जगह हम ओपेक को देख पा रहे हैं ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो कि मतलब हम कंप्यूटर के माध्यम से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार से सर्च कर सकते हैं बिल्कुल ये सिमिलर इसी का ही एक फ़ॉर्म है बस ये मतलब कार्ड फॉर्म में था और ये डिजिटल फॉर्म में है इसमें भी हम टाइटल ऑथर सब्जेक्ट सीरीज इस तरह से बुक्स को सर्च कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इजी एक्सेस की तो यहाँ पे बात हो रही है जो लाइब्रेरी की रैग्स होती हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लगभग छः से सात फीट ही होनी चाहिए ताकि कोई भी नॉर्मल हाइट का यूज़र भी बुक्स तक पहुँच सके पब्लिसिटी की बात करते हैं तो पब्लिसिटी हम कई माध्यम से कर सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत अच्छा माध्यम है जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर और इन माध्यमों से हम बता सकते हैं यूजर्स को कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी ओपन हुई है और वो वहाँ की सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं और टेलीविज़न के माध्यम में माध्यम से भी हम उसमें ऐड दे के पब्लिसिटी को बढ़ा सकते हैं अब हम बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ बुक्स की तो लाइब्रेरी जैसे कि हर डे उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड होता है या हर हर हफ्ते या हर महीने उसमें कुछ ना कुछ कलेक्शन ऐड होता है तो हम उस कलेक्शन को कैसे यूजर्स को बता कैसे बताएं कि हमारे पास नया कलेक्शन ऐड हुआ है तो इसके लिए हमें कुछ रैक्स या फिर डिस्प्ले बोर्ड्स का प्रावधान रखना चाहिए और रखते भी हैं और जहाँ पे यूजर्स का एंट्रेंस होता है वहाँ पर हम इन बुक्स के कलेक्शन की लिस्ट वहाँ पर मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं और एक माध्यम और भी है जैसा कि बुक जैकेट आजकल बुक्स मतलब बुक जैकेट आजकल बुक्स के साथ में अवेलेबल होती हैं और उन जैकेट्स पे बुक का टाइटल ऑथर और भी डिटेल्स अवेलेबल होती है तो डिस्प्ले बोर्ड पर हम बुक जैकेट्स को भी लगा सकते हैं जिसके माध्यम से यूजर्स हमारा अवेयर होगा कि हमारे पास नए बुक्स ऐड हुए हैं और वो जाकर उस पर्टिकुलर बुक्स को मतलब एक्सेस कर सकता है और जैसे कि इस स्लाइड में विज़िबल है या एक आ, न्यू डिस्प्ले रैक्स के लिए और साथ में ही हम एक रैक्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का कलेक्शन जो कि न्यू अरावल्स के रूप में अवेलेबल होता है उसमें हम सीडी डी और जो भी नए कलेक्शन है उनको हम रख सकते हैं उनकी एक एक कॉपीज को और अगर हम बात करें प्रजेंट एरा की तो हम जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो उसमें साइड में हम हमें एक न्यू अराइवल्स का भी ऑप्शंस गिवन होता है तो न्यू अराइवल्स के ऑप्शन में हम अपने कलेक्शन नए कलेक्शन जो है उसको ऐड करके यू, आ, यूजर्स को डिस मतलब डिस्प्ले कर सकते हैं तो ये रहा थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मींस एवरी बुक इट्स रीडर्स मतलब हमने पढ़ा कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक तक कैसे पहुँचाया जाए अब हम बात करते हैं फोर्थ लॉ की सेव द टाइम ऑफ यूज़र मीन्स हम लाइब्रेरी यूजर्स साथ में अपने लाइब्रेरी के स्टाफ का भी टाइम कैसे बचा सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफाइड अरेंजमेंट तो क्लासीफाइड uh, मीन्स uh, कैसे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि uh, वर्गीकरण के माध्यम से हम बुक्स को अरेंज करके लाइब्रेरी के यूजर्स के साथ साथ लाइब्रेरी स्टाफ का भी टाइम बचा सकते हैं और डॉक्टर uh, एस आर रघुनाथन सर ने एक अपोपा पैटर्न दिया था जिसमें कि मतलब एक प्रकार की बुक्स को एक साथ रखा जाए जिससे कि कोई भी यूज़र आसानी से उस बक उस बुक तक पहुंच सके फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रेमचंद की बुक चाहिए किसी यूज़र को तो प्रेमचंद की जितनी भी बुक्स हैं उनको एक साथ रखा जाए ताकि कोई भी यूज़र अगर उसे प्रेमचंद की बुक चाहिए तो उसके साथ साथ वह उसकी उससे रिलेटेड और भी बुक्स देख सकता है और ज़रूरत पड़ने पर वो पर्टिकुलर उसी स्थान से उस बुक्स को ले सकता है अब हम बात करते हैं कैटलॉग कार्ड रजिस्टर कैटलॉग रजिस्टर या ओपेक की जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में मतलब डिस्कस किया कि कैटलॉग कार्ड एक प्रकार के कार्ड होते हैं जिसमें कि बुक की क्लासिफिकेशन डिटेल के साथ साथ उसकी बिगोगोग्राफिक डिटेल भी गिवन होती है जिसके माध्यम से यूजर्स बुक को सर्च कर सकता है और इसी कैटलॉग का मतलब नया वर्जन कह सकते हैं या फिर एक मतलब लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं ओपेक ले लिया है ओपेक ने लिया है जिसे हम ओपन पब्लिक एसेस कैटलॉग के नाम से जानते हैं रेफरेंस सर्विस की बात करते हैं रेफरेंस सर्विस एक प्रकार की यूज़र ओरिएंटेड सर्विस होती है जो कि दो भाग में डिवाइड की गई है रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस बात करें रेडी रेफरेंस सर्विस की तो इसमें जो यूज़र्स की क्वेरी होती है विद इन फाइव मिनट हमें सॉल्व करनी होती है इसमें हम मतलब यूजर्स की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी एटलस कचेटियर बायोग्राफीज बिब्लियोग्राफीज का मतलब प्रयोग करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस की तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस पर्टिकुलर स्पेशल लाइब्रेरीज या पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए यूज़ होती है और इसकी जो रेंज है फाइव से थर्ट मतलब मिनिमम फाइव टू थर्टी मिनट होती है और कभी कभी एक से दो दिन का भी समय लग जाता है डिपेंड करता है कि यूज़र्स की क्वेरी क्या है तो इसमें हम ट्रांसलेशन uh, सर्विस को भी शामिल कर सकते हैं इंटर लाइब्रेरी लोन भी एक प्रकार का लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस कहलाती है नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेशन मेथड की तो सर्कुलेशन मेथड यानी कि इशू रिटर्न मेथड तो हमें इश्यू रिटर्न मैथड या सर्कुलेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यूजर्स को क्यू यानी कि लाइन का मतलब लाइन की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसके लिए हम आ, सेल्फ इशू रिटर्न काउंटर भी ओपन कर सकते हैं और अगर ये सुविधा लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो हम सर्कुलेशन काउंटर की संख्या को बढ़ा सकते हैं जिससे कि यूज़र्स की टाइम की, की बर्बादी ना हो और हमारा जो सेव द टाइम ऑफ यूज़र है वो हमारा लॉ मतलब उसका प्रतिपादन हो सके नेक्स्ट बात करते हैं लाइब्रेरी तो लोकेशन की हु, तो हमारी जो लाइब्रेरी की लोकेशन होनी चाहिए वो सेंट्रली लोकेटेड होनी चाहिए ताकि कोई भी यूजर कम समय में आकर वहाँ की सर्विसेज का लाभ उठा सके तो ये था फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कि हम लाइब्रेरी में आ, यूजर्स और स्टाफ का टाइम कैसे बचा सकते हैं नाउ वी कम टू द फिफ्थ लॉ लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइब्रेरी एक संवर्धनशील संस्था है जिस प्रकार एक शिशु जन्म लेता है और उसमें टाइम टाइम ग्रोथ होती है उसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी भी जन्म लेती है या फिर स्थापित होती है और टाइम टू टाइम उसमें भी वृद्धि होती है इसीलिए हम इसे एक संवर्धनशील संस्था कहते हैं तो हमें इसको बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि बात करें लाइब्रेरी बिल्डिंग की तो हमें लाइब्रेरी की बिल्डिंग को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ समय बाद हमारी लाइब्रेरी का कलेक्शन भी बढ़ेगा तो हम उसे लाइब्रेरी के जो साइज़ को चेंज कर सकें या फिर उसमें बदलाव ला सकें ताकि उसमें हम नए कलेक्शन को ऐड कर सकें तो इस प्रकार से हमारी लाइब्रेरी का जो ढांचा होना चाहिए वो इस प्रकार से तैयार होना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं वीडिंग आउट वीडिंग आउट एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अनुपयोगी किताबें या ऑडिटेड किताबों या फटी पुराने किताबों को अलग करते हैं और उनकी जगह नए कलेक्शन को ऐड करते हैं ग्रोथ ऑफ़ द स्टाफ मतलब लाइब्रेरी की साइज़ में बढ़ोतरी के साथ साथ उसके स्टाफ में भी टाइम टाइम बढ़ोतरी होती है साथ में हम अपने स्टाफ को मतलब नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराते हैं उनको टाइम टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी सेवी हो सके और हमारी लाइब्रेरी यूज़र्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें नेक्स्ट बात करते हैं रीडर्स की लाइब्रेरी के बढ़ने के साथ साथ उनके रीडर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और तो हमें लाइब्रेरी की बिल मतलब लाइब्रेरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रीडिंग एरिया है उसमें भी मतलब हम मॉडिफिकेशन कर सकें यानी कि उस रीडिंग एरिया को इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम उनमें एक्स्ट्रा चेयर को अरेंज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को रीडिंग सर्विस प्रोवाइड करा सके तो ये रहा फाइव लॉज ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस जिसमें हमने डिस्कस किया बुक बुक्स आर फॉर यूज एवरी रीडर हिज और हर बुक एवरी बुक इट्स रीडर सेव द टाइम ऑफ यूजर एंड लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म डियर लर्नर्स आज हमने फाइव लॉज ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस डिस्कस किया जो कि जिसमें हमने डिस्कस किया बुक्स उपयोग के लिए किताबें उपयोग के लिए हैं प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले सेव द टाइम ऑफ यूज़र एंड लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इन नियमों के पालन से हम लाइब्रेरी को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी हमें लाइब्रेरी को चलाने में या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हम इन नियमों की मदद से इन कानूनों की मदद से उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं थैंक यू